नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे दो स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा जिन दोनों स्टॉक में हम शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं और उन दोनों स्टॉक की जो पूरी फंडामेंटल रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो उन दोनों स्टॉक की जो पूरी फंडामेंटल रिपोर्ट है अभी किस परिस्थिति में है वो पूरा डिटेल्स में आप लोगों के सामने अगर पेश करूंगा तो आप लोग खुद डिसाइड ले सकते हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन मैं इतना सा ही कहूंगा, अगर आप लोगों को इन दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी करके आप अभी से उठा सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुके हैं और अभी भी स्ट्रांगली पोजिशन पे है और कुछ हद तक और भी गिर सकते हैं शायद। इसीलिए अगर अभी कुछ क्वांटिटी करके आप लोग थ्रू SIP जैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी खासी रिटर्न आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक की नेम, मैं बाद में आप लोगों को बताता हूं, पहले देख लेते हैं क्या पोजीशन है। अभी देखिए, अगर हम देखें क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, हम क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए वेरी पॉजिटिव, और अगर हम क्वालिटी देखें स्टॉक की तो एक्सलेंट है और वैल्यूएशन फेयर हम बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव में है, क्या है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव में है और इसमें हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। चलिए और बाकी सारी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। पहले हमने फर्स्ट पैरामीटर्स देख लिया कि हमारे इन्वेस्ट के लिए लायक है कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिएगा रिपोर्ट, हम देखते हैं इसका, अगर रिपोर्ट देखें तो पहले हम मार्केट कैपिटल देखेंगे। मार्केट कैपिटल है कंपनी का 117,096 करोड़ की कंपनी है। इतना ज्यादा मार्केट कैपिटल है और ये लार्ज कैप है। स्टॉक की PE कितना है फ्रेंड्स, 40.92। अब इतना बड़ा स्टॉक है तो PE उसके हिसाब से कम है। इंडस्ट्री PE 26 है, इंडस्ट्री PE कम है लेकिन स्टॉक की PE ज्यादा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन देखें तो अभी फेयर है, नो प्रॉब्लम। अगर डिविडेंड देखें तो 0.20% और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो बहुत बढ़िया है, 17.43% रिटर्न ऑन इक्विटी। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, सॉरी फ्रेंड्स, डेप्ट कंपनी का जो कर्जा है वो 3.82 करोड़, बहुत ही कम है, ना के बराबर। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 835 करोड़, नियरेबल 836 करोड़। तो यहाँ पर हमें ये भी पॉजिटिव मिला है, ये भी पॉजिटिव मिला है। एक डेप्ट बहुत ही कम है, कर्जा बहुत ही कम है कंपनी का और लार्ज कैप कंपनी है। इसमें और क्या देखने को मिला हमें, देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट खास बातें। 10 ईयर्स की जो रिटर्न है कंपनी का, एक बार देखिए 204.32, 204.32%। अगर 5 ईयर्स के रिटर्न देखें तो 72.51%, और 3 ईयर्स के रिटर्न अगर देखें तो 28.42%, 1 ईयर के रिटर्न अगर देखें तो 8.36% YTD रिटर्न, यानी अभी तक का जनवरी से लेके अभी तक अक्टूबर तक जो रिटर्न है कंपनी का, इस गिरावट मार्केट में भी कंपनी का रिटर्न है ईयर टिल डेट 1.23%। कितना रिटर्न, 1.23%, बहुत बढ़िया रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इतनी अच्छी एक कंपनी, एक इतनी अच्छी स्टॉक और इतना ज्यादा मार्केट कैपिटल है और इतनी अच्छी फंडामेंटल रिपोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है रिजल्ट। वहां पर देखिए 1 मंथ की जो गिरावट है वो है 10.20%, कितना 10.20%, और एक हफ्ते की रिटर्न -4.84%, और 1 मंथ की रिटर्न -10.20%, यानी स्टॉक में अभी करेक्शन आ चुकी है। इस स्टॉक में इतना ज्यादा करेक्शन आने के बावजूद भी स्टॉक अभी तक स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगा स्टॉक, इसलिए मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कैसे एनालिसिस करते वो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन
मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, मेरे एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक बहुत बढ़िया है। चलिए उसका और बाकी सारे रिपोर्ट देख लेते हैं। चलिए बाकी रिपोर्ट अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रमोटर यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी स्टॉक को बाय करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे खास है क्या है, प्लेस्ड है कि नहीं, यानी गिरवी है कि नहीं शेयर। देखिए प्लेस्ड प्रमोटर्स होल्डिंग्स नन, यानी जीरो, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। एफआईआई की अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो 2005% अच्छी हिस्सेदारी है। नॉन इंस्टीट्यूशन 16.02%, म्यूचुअल फंड 7.48%, इंश्योरेंस 0.93%, आधार डीआईआई 0.39%। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखिए 55%, यानी 50% से ज्यादा प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर्स और एफआईआई का 75% है दोनों का मिला के। और ये दोनों इन्वेस्टर कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जिन स्टॉक की फंडामेंटल रिपोर्ट स्ट्रांग है, जो आगे जाके अच्छे रिटर्न देंगे, तो उसी स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और खास करके स्टॉक जो है फ्लैश नहीं है। अब हम कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे और फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम एनुअल रिजल्ट देखेंगे। एनुअल रिजल्ट अगर देखें तो ये भी आप लोगों के सामने भी पेश करता हूं। चलिए एक झलक देख लेते हैं। मार्च 2017 में देखिए 9966 करोड़ की क्या है फ्रेंड्स, प्रॉफिट नेट सेल्स है। और मार्च 2018 को 13442 करोड़, यानी 34.87% का ग्रोथ हुआ है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 32.13% ग्रोथ हुआ है। अगर हम दूसरी चीज देखें, जैसे कि यहाँ पर देखिए कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो 45.62% ग्रोथ हुआ है, तो अच्छी स्टॉक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट देखें तो चलिए एक झलक उसका भी देख लेते हैं, बैलेंस शीट जो बहुत ही जरूरी है देखना। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कंपनी का बैलेंस शीट से एसेट्स का पता लगाएंगे। एसेट्स देखिए 28.48% का एसेट्स कंपनी ने ग्रोथ किया है, जहां पर 366 करोड़ का था मार्च 2017 को, मार्च 2018 को 470 करोड़ का है, यानी 28.48% का ग्रोथ हुआ है। इन्वेस्टमेंट भी देखिए कंपनी का 9.88% ग्रोथ हुआ है, जहां पर 762.30 करोड़ था, वहां पर 837 करोड़ की ग्रोथ हुई है। करंट एसेट भी देखिए, जहां पर 31,734 करोड़ था, वहां पर 40,888 करोड़ का हो चुका है। तो कितना बढ़िया स्टॉक है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके। लेकिन और भी थोड़ा बहुत करेक्शन आती है तो और भी अच्छी है। चलिए स्टॉक का नाम है क्या है बता देते हैं। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। क्या है फ्रेंड्स, स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। ओके तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक की पूरी रिपोर्ट हम देख लेते हैं, फंडामेंटल रिपोर्ट। देखिए क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड जो है फ्लैट है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, अभी फ्लैट कंडीशन में है। अगर हम क्वालिटी देखें स्टॉक की तो क्वालिटी अच्छी है, तो जिस स्टॉक की क्वालिटी गुड है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वैल्यूएशन जो है वो अट्रैक्टिव है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए अभी अट्रैक्टिव प्राइस है। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी पॉजिटिव है। क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिव है। तो पहला पैरामीटर्स में ये सही जा रहा है और इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बाकी एनालिसिस देख लेते हैं। चलिए बाकी देख लेते हैं। अगर हम यहां पर देखें, चलिए मार्केट कैपिटल जो है कंपनी का 86,183 करोड़, 86,183 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पीई 10 है, बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री पीई 19.37 है, ये भी पैरामीटर्स के हिसाब से सही है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत ज्यादा कहूंगा मैं, 9.44% और कंपनी का कर्जा देखिए 0.24 करोड़, बहुत ही लो है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए बहुत बढ़िया 13.41 करोड़, और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए तो 1533 करोड़, 1533 करोड़। तो देखिए ये भी सही है, स्ट्रांग है, ये भी रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रांग है, कर्जा भी बहुत लो है, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया दे रहे हैं, पीई भी स्ट्रांग है, तो क्यों नहीं हम इन्वेस्ट करें इसमें। अब इसमें करेक्शन देख लेते हैं हम।
कितना करेक्शन आया इसमें। अब करेक्शन देखें तो देखिए 10 इयर्स की जो रिटर्न है 24.30 204.32%, 5 इयर्स की रिटर्न देखिए तो 72.91%, अगर 3 इयर्स की रिटर्न देखें तो 28.42%, देखिए बहुत बढ़िया रिटर्न है। 1 इयर्स की देखें तो 8.36%, अगर ईयर टिल डेट देखें तो अभी 1.23% रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन 1 मंथ का अगर देखें तो -10.20%, 1 हफ्ते का देखें तो -4.84%, बहुत बढ़िया करेक्शन आई है इसमें। जो 10 इयर्स है ग्रोथ है, 5 इयर्स ग्रोथ है, 3 इयर्स में ग्रोथ है, 1 इयर्स में ग्रोथ है, या टिल डेट में ग्रोथ है, यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक अभी तक ग्रोथ में है, और उसी स्टॉक में अभी 1 मंथ और 1 वीक से नीचे है, माइनस में, उसका मतलब कि करेक्शन आई है मार्केट की गिरावट में। तो एक अच्छी स्टॉक, एक बेहतरीन स्टॉक में अगर गिरावट आई है, उसमें करेक्शन आई है, तो अभी हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का, कुछ क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके अभी हम उस माल को उठा सकते हैं। चलिए बाकी फंडामेंटल रिपोर्ट देख लेते हैं, बाद में आप लोगों को बताएंगे स्टॉक का नाम क्या है। चलिए अभी हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो देखिए यहाँ पर प्लेस्ड प्रोमोटर जीरो, यानी प्रोमोटर्स ने स्टॉक को गिरवी नहीं रखे हैं हमारे पैरामीटर्स में, ये सही है। एफआईआई का परसेंटेज 7.29%, नॉन इंस्टीट्यूशन 13%, म्यूचुअल फंड्स 7.55%, अदर डीआईआई 6.68%, अदर 4.32%, प्रोमोटर्स का परसेंटेज भी 50% से ज्यादा है। तो जहां पर प्रोमोटर्स और एफआईआई का परसेंटेज कितना है, नियरबल 70%, तो स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बढ़िया स्टॉक है, इसलिए प्रोमोटर्स और एफआई ने अभी तक अपनी हिस्सेदारी जमा के रखे हैं, ठीक है। चलिए अब बाकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं और बैलेंस शीट देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स अगर हम कंपनी की एनुअल रिजल्ट देखें, चलिए एक झलक एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं हम। अगर एनुअल रिजल्ट देखें तो नेट सेल देखिए 27.90% का ग्रोथ हुआ है मार्च 2017 से मार्च 2018 में, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 17.96% ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 48.63% ग्रोथ हुआ है, ओके तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या सिनेरियो है। बैलेंस शीट अगर देखें तो देखिए बैलेंस शीट में कंपनी का मार्च 2018 में 32,245 करोड़ का कर्जा था, ओके 32,245, और मार्च 2018 में 21,915, कंपनी ने कर्जा बहुत कम कर लिया, कितना किया 31.92% जो है कर्जा था वो घटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट कंपनी का 2.11% ग्रोथ हुआ है, इन्वेस्टमेंट कंपनी की ने कितना क्या है पहले से, पहले की तुलना में मार्च 2017 और के तुलना में मार्च 2018 में 124.64%, यानी जहां पर 73 करोड़ था वहां पर 164 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी का। करंट एसेट देखें तो अभी थोड़ा सा माइनस है, -28.23%, ये माइनस होने का कारण क्या है, ये भी एक लॉजिक है। अब ये देख के अगर हम पीछे मुड़ जाए तो नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी का करंट एसेट जो था पहले 76,796 करोड़, और अभी ये हो गया कितना हो गया, चलिए एक बार देख लेते हैं, वो हुआ है कंपनी का 55,114, कम हो गया, वो क्यों हुआ, देखिए कर्जा दो यहाँ पर कम हो गया ना, तो जहां पर कंपनी ने कर्जा मिटा दिया है वहां पर ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, कंपनी फिट है हमारे लिए, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्टॉक का नाम क्या है, स्टॉक का नाम है वेदांता, क्या नाम है फ्रेंड्स, वेदांता, BEDL। तो इन दोनों स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मल्टीबैगर स्टॉक जो हमें बढ़िया रिटर्न देंगे, और अभी से कुछ कुछ क्वांटिटी करके हम माल को उठा सकते हैं, और आगे जाकर हम बढ़िया रिटर्न देगा, और नीचे गिरते हैं करेक्शन में हम बाई करेंगे, कुछ क्वांटिटी और नीचे गिरते हैं फिर कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, 100 क्वांटिटी करके बाई कर सकते हैं अभी, 50 क्वांटिटी करके कर सकते हैं, 10 क्वांटिटी कर सकते हैं, सभी के अपने अपने कैपिटल के मुताबिक हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर भी अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके सलाह परामर्श लेने के बाद इन्वेस्ट
कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है आप लोगों को इन दोनों स्टॉक की जो जानकारी है, जो फंडामेंटल रिपोर्ट है, पूरी समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना सही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।